सैलरी कितने से स्टार्टिंग हो जाती है? हमारे यहाँ पे 10,000 से स्टार्टिंग है और 30,000 तक जॉब मिलती है। 10 से 30 हज़ार? हाँ जी, राउंड फिगर की बात। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त इसरार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार A to Z। दोस्तों जैसा आप सभी को पता होगा कि आपको इस चैनल पर नौकरी के बारे में बताता हूं, तो हाल फिलहाल हमारे साथ दो हमारे भाई हैं, सुपरवाइजर कह सकते हैं, ये कंपनियों में कैंडिडेट की हायर कराते हैं, जॉब दिलाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एलिमेंट्स कंपनी का नाम है इनके, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो बस हमारी एक पहल है, जो भी हमारे भाई बेरोज़गार हैं, जॉब नहीं मिल पा रहा है, ऐसे कंडीशन में वीडियो के माध्यम से उनको मैं जॉब दिलाने की कोशिश करता हूँ। लोग मुझ पर हंसते भी हैं, लोग सोचते क्या यार ये बच्चों वाला काम कर रहा है, घूमता रहता है यहाँ वहाँ कैमरा लेके, लेकिन मुझे पता है ना कि मेरे वीडियो से कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है। ये उन्हें पता है जिनको नौकरी मिलती है, जिनके घर का चूल्हा जलता है, जिनका पेट जलता है। चाहता तो मैं कैटेगरी चेंज भी कर सकता था, मेरी तो अर्निंग हो जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ उन भाइयों का भी भला हो, उन भाइयों को भी रोज़गार मिले जो भाई बेचारे बेरोज़गार हैं। तो अभी हमारे साथ दो हमारे भाई जुड़े हुए हैं, इनसे हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, इनको थोड़ा इमोशन कर लेते हैं, इमोशनल। अभी थोड़ा सा हंस रहे हैं भाई हमारे, लेकिन हमें इमोशनल कैसे करते हैं आप लोग देखना थोड़ा सा। तो स्वागत है यार आपका हमारे चैनल पर अखिल भाई। थैंक यू सर। अखिल भाई, बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो कि बेरोज़गार हैं यार, बेचारे भटक रहे हैं, वो घर से तो निकल चुके हैं, लेकिन घर से निकलने के बाद जो पैसे लेके आए हैं ख़त्म हो चुका है, समझ रहे हो, उनके खाने के भी कुछ नहीं है और उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है। वो गेट पे जाते हैं लेकिन गेट से उन्हें मना कर दिया जाता है कि आज उनके पास वैकेंसी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हम और आप उनकी हेल्प कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। किस तरीके से हेल्प करेंगे सर? जैसे अगर वो वहाँ से आएंगे, ठीक है, कैंडिडेट वो घर से चलेंगे, तो उनको एक तो मेरे नंबर पे उनको कॉल करना है, ठीक है, जो हम अभी थोड़ी देर में आपको नंबर बताएंगे, उस नंबर पे कॉल करना है। जैसे वो अपने घर से निकलेंगे तो डॉक्यूमेंट लेकर आने, मैं पहले सबसे पहली चीज़ रहेगी डॉक्यूमेंट ज़रूर लेके आने हैं, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं कैंडिडेट की उम्र पूरी नहीं होती है, ठीक है, जैसे 17 से कम होता है तो उसको वापस कर दिया जाता है। तो हम नहीं चाहेंगे कि 17 से कम या 18 से कम वाले एज आयु वाले आएँ, ठीक है। जैसे ही वो आएंगे हम पे कॉल करेंगे, हम उनको गेट पे मिलेंगे, गेट पे मिलने के बाद उनके डॉक्यूमेंट पूरे प्रॉपर चेक करने के बाद उनकी 100% गारंटी से हम जॉब लगाएंगे। किस किस क्वालिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को ले रहे हो? हमारे पास में 10th 12th ग्रेजुएशन और जितने भी हाई क्वालिफिकेशन के होते हैं सभी को हम लगाने की कोशिश। सैलरी कितने से स्टार्टिंग हो जाती है? हमारे यहाँ पे 10,000 से स्टार्टिंग है और 30,000 तक जॉब मिलती है। 10 से 30 हज़ार? हाँ जी, राउंड फिगर की बात। बिल्कुल बिल्कुल। फ्रेशर को ले रहे हो या एक्सपीरियंस? फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों चल रहे हैं हमारे। लड़के लड़कियां दोनों चल रहे हैं? लड़के और लड़कियां दोनों चल रहे हैं। जो लड़कियां डिप्लोमा कर रखी हैं इलेक्ट्रिकल से या मैकेनिकल से या किसी भी ट्रेड से, तो क्या उनके लिए आपके पास ऑफर है? उनके पास ऑफर है, हमारे पास में डिक्सन है, जैसे आप ये देख रहे हैं डिक्सन कंपनी है, तो उसमें हमारे पास में डिप्लोमा के लिए हायरिंग चल रही है बहुत ज़बरदस्त। तो इसमें जो है ना 12,400 कुछ रुपए मिल रहे हैं उसमें, और इसमें अटेंडेंस अवार्ड भी बहुत अच्छा है, 2,000 रुपये अटेंडेंस अवार्ड है, और प्लस इसमें दोनों टाइम लंच डिनर जो भी है वो फ्री मिल रहा है, टी स्नैक्स फ्री मिल रहा है, बाकी इसमें OT डबल मिल रहा है, ओवरटाइम डबल। हाँ जी, डबल ओवरटाइम है, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। तो इसमें लगभग इनकी सैलरी जो है 20 से 22 हज़ार रुपये सैलरी पड़ जाती है पर महीने की, पर मंथ की। यार बहुत बढ़िया है यार। जी बिल्कुल। काम कैसे होता है इसमें? काम बहुत आसानी है, जैसे एक मोबाइल है, मोबाइल के जो पार्ट लगाने होते हैं छोटे छोटे पार्ट, जैसे कोई कैमराज लगा रहा है, कोई उसके मतलब कीपैड लगा रहा है, कुछ भी लगा रहा है, उसके पूरी लाइन चलती है, पूरा मोबाइल बनता है। थोड़ा थोड़ा काम सभी को करना पड़ता है। हाँ, थोड़ा लास्ट में असेंबल हो, बिल्कुल असेंबल हो जाता है। बिल्कुल। स्टैंडिंग वर्क होगा सर? देखो सिटिंग जॉब भी हमारे पास में लावा में सिटिंग जॉब है और इसमें डिक्सन में स्टैंडिंग वर्क है, ठीक है, तो थोड़ा सा रहता है, मेहनत का काम है, लेकिन बहुत अच्छा है कि पैसा बहुत अच्छा है और ग्रोथ भी है इसमें। ग्रोथ है ना? हाँ, तो हाँ। इसमें हमें जो कैंडिडेट्स आएंगे, जैसे हम लावा में उनको लगाने की कोशिश करेंगे, तो लावा में क्या बेनिफिट रहेगा, उसमें यह बेनिफिट रहेगा, उसको हम अप्रेंटिस कराएंगे, ठीक है, जो गवर्नमेंट कोर्स है उसको हम वीवोक और डीवोक कराएंगे, जैसे उसको जो है ना डिप्लोमा कराएंगे, पहले ईयर उसको डिप्लोमा, फिर उसके बाद एडवांस डिप्लोमा डिग्री, पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी है हमारे पास में। तो चलो ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ कमाई वो करते हैं, तो अगर कमाई की हम बात करें, क्योंकि घर भी चलाना है, फैमिली को भी चलाना है, फादर मम्मी पापा को भी देना है, तो ऐसे कंडीशन में वो पढ़ाई भी करें और नौकरी भी करें, तो नौकरी से जो आप बता रहे हैं इनकम पर महीने कितने कर लेंगे?
अगर पढ़ाई को देखा जाए तो देखो पढ़ाई के साथ साथ तो फ्री है ये सारी चीज़ें, पढ़ाई तो फ्री है, बाकी फिर भी इनको 20 से 22 हज़ार रुपये सैलरी मिल रहेगी आराम से, ओटी वगैरह लगा के सब चीज़ लगा के, खाना भी ना फ्री रहेगा सब कुछ इनका। बाकी रूम की बात है, रूम का एडजस्टमेंट हम खुद करा देंगे, रूम का हो जाए, हाँ हम करा देंगे रूम का। कैसे क्या रेंट क्या है इसका? रेंट देखो 4 से 5 हज़ार रुपये के बीच में चार लोगों को मिल जाता है, चार मतलब 1000 रुपये 800 रुपये, 1000 रुपये 800 रुपये मिलेगा यार। सही है, बिल्कुल 100% करेंगे हम। ये लोकल कैंडिडेट के लिए भी है या बाहर के बंदे? ये अभी जो है ना, अभी फिलहाल लावा में जो है 200 किलोमीटर दूर के लेते हैं, और जो डिक्सन ले रही है अभी लोकल भी ले रही है, फिलहाल में चल रही है अभी हायरिंग, लोकल ले ले, ले रही है, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों चल रहे हैं, दोनों को ले, दोनों चल रहे हैं, इसमें भाई 10th 12th डिप्लोमा ITI सब चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। तो कहने का मतलब जो भी हमारे भाई इच्छुक हैं अगर वो लोकल भी हैं कैंडिडेट तो आ सकते हैं, हफ्ते 10 दिन में उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, साथ के साथ आते नहीं उनकी ज्वाइनिंग हैंड टू हैंड कराएंगे हम। कुछ टाइम हमारे पास कुछ ऐसा भी है, रेफरेंस ऐसा भी है कि हम डायरेक्ट ज्वाइनिंग भी कराएंगे। अच्छा, ये ऑन रोल होता है या ऑफ रोल हो जाता है? ऑन रोल ही होता है, ऑफ रोल इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें बस ऑनलाइन हमारा क्या काम होता है, हम इनको कैंडिडेट देते हैं, बाकी जो है डिक्सन के या लावा की तरफ से ही इनकी सैलरी डलती है। हमारा सिर्फ काम ये है इनको कैंडिडेट को देना, जितना इनका मन करे इतना ये काम, इतने दिन तक ये काम कर सकते हैं। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि जो हमारे भाई एक साल नहीं करना चाहे वो 6 महीने में जाना चाहे तो जा सकते हैं? हाँ जा सकता है, लेकिन कोई बाउंडेशन नहीं होता ना? नहीं नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है उसको, 3 महीने 4 महीने 1 साल 10 साल जब तक करना कर सकता है वो। अच्छा, एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप बता दो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8923817873। आपकी कंपनी क्या नाम है? एलिमेंट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। 63 में ही है? हाँ 63 में ही है, A14 में। हाँ, जो हमारे भाई आना चाहते हैं चाहे वो आपके ऑफिस या कंपनी तो आ सकते हैं जॉब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके नंबर पे कॉल कर सकते। हाँ, हमारा पूरा एड्रेस है ऑफिस का, A Sector 63 A125 Sector 63 नोएडा का ये लोकेशन है, ये इनका ऑफिस का है। हाँ, हमारा विजिट कभी भी आ सकते हैं, कभी विजिट करना हो कभी भी आ सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे पूरी। भैया इस बातचीत करके अच्छा लगा, जो कि अखिल है, एक हमारे भाई और भी हैं हितेश यादव जी, आपका भी स्वागत है सर हमारे चैनल पे। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। आपके आप भी इसी कंपनी से एलिमेंट से ही हो? हाँ सर, हमारा दोनों का एक ही है वैसे, हम मैं प्रॉपर लावा के लिए ही काम करता हूँ। अच्छा। और ये मतलब मल्टीपल हैं हम। अच्छा। सारी मल्टीपल कंपनियों के लिए काम? हाँ काम करते हैं। अच्छा, किस किस क्वालिफिकेशन के लिए आप ले रहे हो सर? हमारे यहाँ जो है अब 10th 12th और अब ITI चलता है, तो ITI के लिए हम लोग अप्रेंटिस कराते हैं 1 साल का, और बाकी लोगों को 10th और 12th उनके लिए हमारे यहाँ उनके लिए भी अप्रेंटिस होता है, वो भी NAPS का कोर्स है, वो भी ये 1 ईयर का ही होता है, तो लोग आ सकते हैं, और सैलरी 15-18 के पड़ जाता है इसमें, पड़ जाएगा लगभग सैलरी अप्रोक्स। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है ना कि मेरे भाई जैसे अखिल भाई ने बताया वही सेम चीज़ें है ना? हाँ सेम है, रूम वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी रहेगी। एक बार अपना नंबर बता दो। नंबर मेरा है 9773711498। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर देना इनका नंबर और आपका नंबर। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट क्या देखता है, खाने की फैसिलिटी, मैनेजमेंट सही हो, सैलरी टाइम से आ जाए, तो तीनों में जेन्युइन है? हाँ जेन्युइन है बिल्कुल, OT वगैरह खाना पीना दोनों टाइम, लंच भी मिलता है अगर 12 कोई मिसबिहेविंग तो नहीं करते? नहीं मिसबिहेव किस, कोई भी है अपने आप को बहुत बड़ा वो समझते हैं? नहीं कोई विदाउट मैनेजर है वो कैंडिडेट को सोचते हैं नीचा है? नहीं नहीं ऐसा, नीचे जात के हैं या तो वो गल वो बेचारे हेल्पर हैं तो उनके साथ ऐसे बिहेव किया जाए गलत है? नहीं नहीं ऐसा तो हमारी तरफ से कुछ नहीं है, हम जैसे भी जो वो खुद आएंगे हमारी तरह ही है वो भी, क्योंकि बाहर से हमारे लिए एक गेस्ट हैं, ठीक है। और जो कहते हैं जैसे दुकान पे एक कस्टमर जाता है तो भगवान का रूप होता है, वो हमारे लिए भगवान है। बस बिल्कुल यही समझ रहा है, क्योंकि मैं रियल बताऊं आपको, सैलरी तभी मिलेगी जब आप कैंडिडेट दोगे, गलत कह रहा हूँ? हाँ जब आप, आपका नंबर तभी आगे रहेगा आपके एलिमेंट्स में जब आप कैंडिडेट महीने के 100 या 150 दे पाओ। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप 10 भी नहीं देते तो आपका नाम क्या है, है ना? बिल्कुल। और एक और मैं बता देता हूँ, जैसे जिसने जिसको एक्सपीरियंस है, जैसे कंप्यूटर नॉलेज है उसको अच्छी है ना, या किसी भी लाइन में या किसी फील्ड में उसने वर्क अच्छा कर रखा, तो मुझे इसी जो नंबर मैंने बताया है उस नंबर पर रिज्यूम शेयर करेगा मुझे, मैं 100% आपको किसी भी तरीके के जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हो मैं उस फील्ड के लिए जॉब दूंगा। हाँ चलो यार, अखिल भाई से और यादव जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। जो भी हमारे भाई इच्छुक हैं इस समय नोएडा NCR में आ चुके हैं, दिल्ली NCR में, या घर से निकलने वाले हैं, तो भैया से पहले कंफर्म करेंगे चीज़ें,
है ना, उसके बाद घर से निकलेंगे, रूम की व्यवस्था हो जाएगी, नौकरी की भी व्यवस्था आपकी आज की वीडियो में होने वाला। ये सब जो मेहनत हो रही है सिर्फ और सिर्फ उन भाइयों के लिए हो रही है जो हमारे भाई बेरोज़गार हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई है। और हाँ एक चीज़ और बता दूँ, जो भी है ना फ्री ऑफ कॉस्ट है ना सर, ये जितनी भी जॉब है हमारे पास में टोटल ऑल इंडिया में हम काम कराते हैं, वर्क कराते हैं, तो हमारे पास बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी एक रुपए का चार्ज नहीं है। कोई अगर मांगता है या कुछ भी होता है तो हमारे डायरेक्ट हमें कॉल करिएगा। और इनके ऑफिस से भी आके बता सकते हो कैंडिडेट पैसा मांग रहा है, ठीक है, ऐसा करता है। तो हमारे जो एड्रेस मैंने दिया है A125 Sector 63 नोएडा, आप आके हमारे पे शिकायत कर सकते हैं कभी भी। जी हाँ, और नहीं हो पा रहा है तो उसके बाद इनके पास ऑफिस भी जा सकते हो। अगर मान लीजिए कि आप Sector 63 में आ चुके हो, नोएडा में नौकरी नहीं मिल पा रहा या नंबर नहीं लग रहा, हाँ। तो ऐसे कंडीशन में ऑफिस में विजिट करेंगे, ये सुपरवाइजर आपको मिलेंगे तो आपको डायरेक्ट ले जाके जॉब आपको मिल जाएगा। मिलते हैं एक दिन रूम एडजस्ट नहीं होता है तो हमारे पास गेस्ट रूम है, गेस्ट हाउस, जिसमें हम आपको रोकने की पूरी व्यवस्था रखेंगे। उसका अलग चार्ज नहीं, उसका कोई चार्ज नहीं है, उसका 3 से 4 दिन हम रख सकते हैं, रख सकते हैं। भाई साहब प्लस पॉइंट है, भाई साहब ये प्लस पॉइंट है। जी जी, अब ये आपने जो बोला ना इसको देख के ही समझो धड़ाका से आएंगे। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, हम तो तैयार हैं, जितने भी कैंडिडेट आएंगे सबको। एक दो दिन के लिए जो रुकने की व्यवस्था नहीं होती ना, वो दिक्कत करता है। ऐसे क्या होता है कि उनको रूम नौकरी मिल जाती है, एक दो दिन रुक जाते हैं, फिर उसके बाद अपना रूम ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम इस कंपनी से 20 से 25 हज़ार या 15 से 20 हज़ार उठा सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए नौकरी के साथ, रखिएगा अपना ख्याल, नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।